हेलो दोस्तों, मैं शेफ अशोक। तो आज हम बनाएंगे ब्राउन ग्रेवी। इसका होटल्स और रेस्टोरेंटों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिशेज इसके अब बनाई जाती है। और इसे हम 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए मगज, कर्ड, ब्राउन ऑनियन और काजू। तो सबसे पहले काजू और मगज को बॉयल कर लेंगे ताकि इसमें जो गंदगी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और पीसने के लिए सॉफ्ट हो जाएं। अब दूसरा स्टेप है हमारा, इसके लिए हमने ब्राउन ऑनियन, इसको हमने दही के साथ पीसना है। तो पहले इसको दही के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारा ऑनियन सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पीस जाए। तो चलिए, इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे इसका फाइन पेस्ट बना लें। अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो ये थोड़े से होल स्पाइसेस लिए हमने, तेज पत्ता, छोटी इलायची, जावित्री, और ये लिए एक लगन। उसमें डालेंगे सबसे पहले ऑयल। ऑयल जैसे थोड़ा हीट हो जाए तो इसमें ऐड कर दिया हमने होल स्पाइसेस। ये गैस में थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब जब भी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करें तो गैस की फ्लेम कम रखें, नहीं तो उससे हमारा पेस्ट एकदम से जल जाता है। तो इसमें जो मसाला ऐड करेंगे वो मसाले ले लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी, देगी मिर्च पाउडर, ये गैस में थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसको हम पानी के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि इसको जब हम तड़के में ऐड करें तो हमारा मसाला जले ना। तो ये देखिए, इसको ऐसे अच्छी तरह से पानी से मिक्स कर लें। तो चलिए, हमारा पेस्ट पक चुका है। अब इसमें ऐड कर दिए हमने मसाले। मसालों को हमने अच्छी तरह से पकाना है। मसाले को जितना अच्छा पकाएं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे खाने में। तो ये देखिए, हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन ऑनियन से बना हुआ पेस्ट। तो पेस्ट को हमने तब तक पकाना है जब तक ये पेस्ट अपना ऑयल रिलीज ना कर दे, ताकि इसमें जो हमने कर्ड ऐड किया है उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाए और ग्रेवी का अपना ही टेस्ट आए। अभी इसका कलर वाइट दिख रहा है, पर जब पक जाएगा तो इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो इसको 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएं। तो ये देखिए, पेस्ट ने ऑयल रिलीज कर दिए। अब इसमें ऐड करेंगे काजू मगज से बना पेस्ट। जो हमने काजू में बॉयल किए थे उसका हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। इसको हम स्ट्रेन करके डालेंगे क्योंकि जो मगज के छिलके होते हैं वो ग्राइंडर में पीसते नहीं हैं। तो ये देखिए, इसको ऐसे स्ट्रेन करके डालें। तो चलिए, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पलटा एक साइड को ही चलाएं, क्योंकि जब भी हम ग्रेवी में काजू मगज ऐड करते हैं तो कई बार हमारी ग्रेवी उससे फट जाती है और ग्रेवी में फटा हुआ टेस्ट आता है। तो ये देखिए, जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें डालेंगे हम पानी। पानी हमेशा ग्रेवी में गर्म करके ही डालें, उससे टाइम भी बचता है और ग्रेवी फटने के चांसेस नहीं रहते। तो ये देखिए, जैसे इसमें एक बॉयल आएगा तो हमने इसको 1.5 से 2 घंटे तक पकाना है स्लो आंच में। तो फ्रेंड्स, देखिए ग्रेवी ने ऑयल रिलीज कर दिया है, मतलब ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। हमने ग्रेवी को तब तक पकाना होता है जब तक ग्रेवी अपना ऑयल रिलीज ना कर दे अच्छी तरह से, इससे हमारी ग्रेवी ख़राब नहीं होती। ये देखिए, ग्रेवी अच्छी तरह से पलटे से चिपक रही है, मतलब ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे कोनिकल से, क्योंकि जो इसने हमने खड़े मसालों का यूज़ किया था वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही होटल से जुड़ी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।